पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंसूबों पर आज फिर पानी फिर गया। पीओके की कैबिनेट ने संशोधन नंबर 14 को गिराकर इमरान खान को जबरदस्त झटका दिया है। इमरान चाहते थे कि पीओके के सारे अधिकार पाकिस्तान सरकार के पास आ जाएं, लेकिन इमरान खान के मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब 16 जुलाई को पीओके में हुई बैठक में संशोधन नंबर 14 को कैबिनेट ने गिरा दिया। पवन, ये तो साफ पता चल रहा है कि इमरान की वैसे भी देश की आवाम नहीं सुन रही, लेकिन किस तरह से उनको अपने सहयोगियों का साथ मिलना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है मिलता हुआ। कैबिनेट ने ही खारिज कर दिया है उनका संशोधन नंबर 14। बिल्कुल, देखिए पीओके में इस समय पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। जिस तरह से चीन का दखल पीओके में ज्यादा हो रहा है, तो पीओके के लोग भी इमरान खान के सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। और वहीं जो कैबिनेट, जो पीओके की मेन कैबिनेट थी, उन्होंने इमरान खान सरकार का जो संशोधन नंबर 14 था उसको गिरा दिया है कि कोई अधिकार पाकिस्तान सरकार को यहाँ का नहीं मिलेगा। इससे भारत का पक्ष और मजबूत होता है कि पीओके हमारा है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो पीओके के लोग भी जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, वो भी भारत के साथ आना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान सरकार की नींदें और उड़ी हुई है कि कैबिनेट के भीतर संशोधन जो है वो 14 का गिरना पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। पवन, शुक्रिया। इधर खबर एक और आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी पर हाईकोर्ट राज्य सरकार से जवाब मांग रहा है और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की वजह पूछी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और साफ कर दिया है कि सही जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट खुद इस मामले की जाँच करेगा। तो राजा भैया के खिलाफ मुकदमा वापस क्यों लिया गया, कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है।